हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है आज सभी के। आज चल रहे हैं अपना एक थोड़े से लॉन्ग रूट। हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज मेरा टूर है हरिद्वार, हरिद्वार से कोटद्वार। तो बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि मतलब जल्दी से स्टार्टिंग करूंगा, क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो, आज मेरे जाना हो ही रहा था, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो चलो बने रहिए, आपको दिखाता हूँ कि आगे आगे क्या होता है। भैया जिस रास्ते से हम जा रहे थे मेन रोड, वहां पे रास्ते में चल रहा काम, तो अब हमें लेनी पड़ी है गांव के रास्ते। बट ये है कि वापसी जाने से बढ़िया है कि हमें रास्ता मिल गया, क्यों फिर हम वापसी जाते और फिर दूसरा रूट पकड़ते तो बहुत ही लंबा हो जाता है, 20-25 किलोमीटर। अब ये देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। फाइनली रोड मिल गई वापसी, वही वाला रूट। रास्ते में थोड़ा सा काम चल रहा था बीच में, उसकी वजह से एक डेढ़ किलो लंबा पड़ा रास्ता, ज्यादा फर्क नहीं आया। चलो अब आगे मिलते हैं आपसे। फाइनली हरिद्वार पहुंच गए हैं, हरिद्वार हाईवे है ये। हाईवे बहुत जबरदस्त है, बस थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। देख रहे हो, मैं दिखा देता हूँ, ये चंडी देवी का मंदिर है, आपने सुना ही होगा। जो ये अभी आपको मैंने मंदिर दिखाया चंडी देवी का, इसकी मान्यता बहुत है और यहाँ पे आप कभी भी आ जाओ, कोई से भी सीजन में आ जाओ, किसी भी टाइम यहाँ पे आपको हमेशा क्राउड ही मिलेगा और बहुत ही अच्छा वाला। यहाँ का बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, यहाँ की मान्यता भी बहुत है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब भी आता हूँ तो यहाँ पे कभी आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि क्राउड थोड़ा कम हो या ऐसा हो। कोई से भी टाइम में आ जाओ, कभी भी आ जाओ, आपको फुल क्राउड ही मिलेगा। आपको मैं इसका रास्ता दिखा देता हूँ। ये रोपवे से जाते हैं यहाँ पे, ये नीचे रोपवे है, जिसे पैदल चढ़ाई करनी वो पैदल कर सकता है। और यहाँ रोपवे बहुत पहले से ही है, तो जिसे रोपवे से जाना हो तो वो रोपवे से जा सकता है। तो मैं इसका आपको पर्टिकुलर आपको इसका एक मेन रास्ता दिखा देता हूँ। यहाँ का जो मेन रास्ता है मंदिर का, वो स्टार्टिंग यहाँ से है, यहाँ से अंदर जाओ और ऊपर से मतलब टिकट टाकट मिलता है जो भी है, और बस एंट्री कर लो यहाँ से, यहाँ से चले जाओ। अगर आप अपने व्हीकल से आए हो तो अपना व्हीकल यहाँ खड़ा। अब ये अभी बना है 2-4 साल में, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, 1-2 साल ही हुए हैं बल्कि। यहाँ पे अपनी कार को और पार्किंग करो और अपना ऊपर फिर दर्शन करके आओ। बहुत बढ़िया बना दिया वैसे यहाँ पे, पहले इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी कार पार्किंग की, ये वो ट्रैफिक का वो लगा रहता था। और आपको अभी दिखाऊंगा, ये थोड़ा जंगल का रास्ता है, और जो कोटद्वार के लिए जा रहा है जंगल का रास्ता, आपको वो वाला दिखाऊंगा। वहाँ पे तो इवन मतलब सड़कें भी पक्की नहीं बनी हुई है, अभी थोड़ा सा कच्चे रास्ते हैं और नदी वगैरह है, बहुत ही ऑसम जगह है। देखो अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, पहुँचता हूँ चलो फिर दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये जो रास्ता है ये हमारे घर पे जा रहा है गाँव वाले, तो ये देखो कितना छोटा है यहाँ का, बस एक ही गाड़ी जा सकती है यहाँ से, तो उसे आगे तो सवाल नहीं है, जैसे यहाँ पे लगानी पड़ेगी, मतलब जैसे बीच में घर पड़ता है ना, वहीं लगानी पड़ेगी।
पहाड़ पहाड़ है चारों तरफ, बीच में ये गांव है। ये देखो ये यहाँ के रास्ते ऐसे कच्चे हैं जो मैं बात कर रहा था, ये अब आधे रास्ते तो कच्चे हैं और आधे पक्के कर गए। मैं 2 साल पहले आया था तब ये पूरे रास्ते ऐसे था कच्चा, और अब जाके इन्होंने काम चल रहा है यहाँ पे, हो गया है वैसे थोड़ा सही मामला। तो देखो जैसे यहाँ पे पक्का हो गया, आधी जगह पे पक्के हैं आधी जगह कच्चे हैं। तो ऐसे रास्ता है, दिखाता हूँ आपको, यहाँ नदी भी पड़ेगी 2-3। रास्ता बहुत ही, देखिए आप कैसे हैं, जो ऑफ राइडिंग करने वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है, जैसे कि थार थूर पे आने के लिए तो ऐसा है, ये रास्ता उन्हीं के लिए बना हुआ जैसे है। अब ये देखिए ये दूसरी नदी पड़ेगी, ये बड़ी है ऐसी, यहाँ पे एक दो तो निकल गई, एक पे फ्लाईओवर सा बना हुआ था, तो ये तीसरी नदी है मेरे हिसाब से। तो शायद यहाँ पे बन रहा है, काम चल रहा है फ्लाईओवर का, वैसे बन जाएगा आने वाले कुछ सालों में। ये देखो नदी के टाइम पे ना ये पानी पूरा भरा हुआ होता है यहाँ पे, बहुत भयंकर की गाड़ियाँ भी डूब ही जाती है। तो देखो आपको एक बार ढंग से दिखाती हूँ, और गाड़ी कभी भी बंद ना करो जब आप अकेले वगैरह हो तो, क्योंकि कुछ नहीं पता जंगल का क्या सीन है, कौन कहाँ बैठे हो। ये देखो ये पूरी नदी है, ये देखो चलो भाई चलते हैं, कोई आए इससे पहले अपने निकल जाए। कहा था ना रास्ते ऐसे दिखा दूंगा जो आज तक आपने देखे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नजारे। ये देखो ये पूरा नदी का है, बहुत ही ऑप्शन है रास्ता तो ऐसे, जिसे थोड़ा अलग चाहिए हो, मतलब अबे ये कैसे लिया, थोड़ा एडवेंचर वाला है ये, कि कुछ नया चाहिए हो, थोड़ा रिक्शी वाला मामला, कुछ नया करना चाहते हो जो, उनके लिए बहुत बढ़िया है ये जगह। जो यहाँ का ये जंगल वाला रास्ता है ना, मतलब एंट्री उस साइड से भी और इस साइड से एंट्री होती है ना, दोनों साइड से, मतलब इधर से आने वालों की एंट्री है हमारा, तो आउट गोइंग है मतलब निकलना है, तो ये पड़ता है बीच में। मैं बताया रहा था इन्होंने रोका, तो जैसे एंट्री होती है वहां पर्ची कटती है गाड़ी की, तो हमारा गांव थोड़ा बीच में पड़ता है, तो मैं बीच वाले रास्ते से आया, तो अपने को तो पर्ची लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा भाई पर्ची, तो मैंने कहा भाई मैं इधर से आया हूँ अपने गाँव से। कह रहा पर्ची, मैंने कहा भाई रास्ते में नहीं पड़ती भाई, इन्हें पता है तब भी जबरदस्ती गाड़ी का नंबर देख के, भाई गाड़ी तो कहीं की भी हो सकती है। देहरादून की है उत्तराखंड की, तो मैं देहरादून की थोड़ी ना आईडी लेके घूमूंगा, अपने है की तो लेके घूमूंगा सहारनपुर की। बट ये है कि इसने वो मांगा नहीं कुछ, वो मांगता भी कैसे, फिर जो भी है समझ जाओगे तुम लोग, समझदार हो तो, बस यही बात है। तो बंदा बता रहा जब पर्ची नहीं आया तो भाई बीच में से आया हुआ टप टुप के कहीं से, तो ना करा करो ऐसा, समझ जाया करो बात। तब चलते हैं भाई, अब यहाँ से दर्शन भी बढ़िया हो गए थे, सब चीज़ बढ़िया से हो गया, अब निकलते हैं वापसी की ओर। वहाँ पे मैं दिखा नहीं सका ज़्यादा कुछ, बस थोड़ा सा यही था मेन चीज़, तो बस, और एकदम अचानक ही बना सारा प्लान, तो बस निकलते हैं अब यहाँ से, दिखाते हैं फिर आपको गांव के नज़ारे।